25 जनवरी तक एलईडी लाइटों से दमकेगा शहर। वहीं जनपद रामपुर में नगर पालिका चेयरमैन फातिमा जबी ने शहर की पथ प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने एवं शहर को सोडियम लाइटों से मुक्त कराने के लिए कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर सोडियम लाइटों को बदलने का कार्य किया जाएगा। सोडियम लाइट के स्थान पर एलईडी लाइटें लगाई जाएं, ये काम हर हाल में 25 जनवरी तक पूरा हो जाना चाहिए। यहाँ की लाइटें बदलने के लिए तमाम संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस मौके पर पथ प्रकाश विभाग से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। जर्जर भवन को किया ध्वस्त। वहीं जनपद रामपुर में नगर पालिका की ओर से शहर में जर्जर भवनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। भवन स्वामी को नोटिस देकर खुद हटाने की चेतावनी दी जा रही है। इसी क्रम में काफ़ी पुराने जर्जर मकान के भवन को ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई। शासन तथा प्रशासन के निर्देशानुसार नगर क्षेत्र में स्थित जर्जर भवनों को जो लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं उनको स्वयं एक सप्ताह के अंदर हटाने के लिए चेतावनी दी गई। पालिका की ओर से ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है। ऐसे भवन स्वामी को नोटिस देकर कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में मोती मस्जिद के पास मुख्य मार्ग पर स्थित शुएब खुर्शीद पुत्र खुर्शीद अहमद का काफ़ी जर्जर भवन था। जर्जर होने के कारण इससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था, जिसे जान माल का नुकसान होने का भी खतरा बना हुआ था। इस भवन पर स्वामी को नोटिस देने के बाद इस जर्जर भवन को ध्वस्त कर दिया गया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी इंदु शेखर मिश्रा ने कहा कि शहर में जितने भी जर्जर भवन हैं उससे जान माल को खतरा बना हुआ है। ऐसे भवन स्वामी अपने मकानों को एक सप्ताह के अंदर खुद ध्वस्त कर लें। पालिका की ओर से शहर में अन्य ऐसे भवनों की सूची तैयार की जा रही है, इसके बाद नोटिस जारी किए जाएंगे। मोती मस्जिद के पास शुएब खुर्शीद के जर्जर मकान की ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई। कोतवाली पुलिस ने जिला बदर आरोपी गिरफ्तार कर लिया, जिसे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं जनपद रामपुर में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम के आदेश पर पुलिस कार्यवाही कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह और क्षेत्राधिकारी नगर विद्या किशोर के नेतृत्व में कार्यवाही की जा रही है। कोतवाली पुलिस ने जिला बदर आरोपी उस्मान पुत्र इब्ने हसन निवासी मोहल्ला घेर मर्दान खां को मोहल्ला पानदरीबा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी 29 अक्टूबर को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया था। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन। वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया। जनपद रामपुर में नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की है। शिक्षक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर एकत्रित हुए, इसके बाद नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। बाद में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन DIOS विनोद कुमार को सौंपा। जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह ने कहा कि वित्तविहीन विद्यालयों में भी शिक्षक सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की तरह ही शिक्षण कार्य कर रहे हैं। ऐसे में वित्तविहीन शिक्षकों को भी समान कार्य के लिए समान वेतन दिलाने एवं सेवा शर्त लागू कराने की मांग की। उन्होंने महंगाई भत्ता पूर्व की तरह बनाए रखने, विद्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर एवं व्यावसायिक विषयों के शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिलाने, नियमितीकरण से वांछित शिक्षकों को नियमित करने आदि मांगे की। कोतवाली पुलिस ने जिला बदर आरोपी गिरफ्तार कर लिया, जिसे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं जनपद रामपुर में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम के आदेश पर पुलिस कार्यवाही कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह और क्षेत्राधिकारी नगर विद्या किशोर के नेतृत्व में कार्यवाही की जा रही है। कोतवाली पुलिस ने जिला बदर आरोपी उस्मान पुत्र इब्ने हसन निवासी मोहल्ला घेर मर्दान खां को मोहल्ला पानदरीबा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी 29 अक्टूबर को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया था। पुलिस कर्मियों को दिए गए प्रमाण पत्र। वहीं जनपद रामपुर में पुलिस आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली परियोजना UP 112 के अंतर्गत जिले में संचालित चार पहिया दो पहिया PRV पर नियुक्त 9 मुख्य आरक्षी 13 आरक्षी व 4 महिला आरक्षी समेत कुल 26 शिक्षियों का जिला स्तर पर गठित जिला प्रशिक्षण इकाई DTU के माध्यम से 9 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षक अशोक कुमार सक्सेना एवं जिला प्रशिक्षण इकाई रामपुर द्वारा सिविल लाइन्स रामपुर में सकुशल संपन्न कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षियों को संचार तथा बातचीत कौशल, विवाद प्रबंधन, तकनीकी पक्ष MDT कार्यप्रणाली, बच्चों से संबंधित मुद्दे, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मुद्दे, तनाव, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य और जीवन शैली, पुलिस कार्य कौशल, फायर सेफ्टी, तलाश आदि से संबंधित विस्तृत रूप से जानकारियां दी गई। अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया, साथ ही उन्हें प्रमाण पत्र भी बांटे गए।